मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ पॉइंट मास का निकालना आता है बस, एम आर स्क्वायर बस। पर हमें क्या दिया गया, एक रिंग। रिंग मान लो घूम रही है और एक्सिस कहां से पास कर रहा है, उसके सेंटर से। रिंग का रेडियस कैपिटल आर है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे सीधा निकालना आता नहीं है। रिंग का मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ओवर इट्स लेंथ। रिंग का मास हमेशा उसकी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो एक काम करते हैं, हम एक रिंग का छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं जिसकी लेंथ है dx, बहुत छोटा एलिमेंट है dx, और इसका स्मॉल मास कितना है dm, राइट। अब ये छोटा सा पॉइंट मास हो गया dm, ये पॉइंट मास हो गया, और पॉइंट मास का मोमेंट इनर्शिया निकालना तो हमें आता है। पॉइंट मास का मोमेंट इनर्शिया होता है क्या, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस dm का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना एक्सिस से, r। तो क्या लगेगा फॉर्मूला di का, dm इनटू r स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, तो ये पॉइंट मास का, और मैं इसको आई नहीं बोलूंगा, डीआई बोलूंगा, क्योंकि रिंग के लिए एलिमेंट्री पोर्शन, छोटा पोर्शन ये पॉइंट मास है। तो मैं पहले पॉइंट मास का स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा डीआई, फिर अगले पॉइंट मास का डीआई, फिर अगले पॉइंट मास का डीआई, फिर अगले पॉइंट मास का डीआई। तो डीआई 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 करके एन नंबर ऑफ पार्टिकल, तो मुझे पता नहीं कितने हैं, क्योंकि रिंग में आप में से कोई शायद ये भी कहेगा सर ऐसा कर दो m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर लगा दो, पर मुझे पता ही नहीं कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, 1 लाख की 1 करोड़ मुझे क्या पता। तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। तो यहां पर मैं dm का स्मॉल di निकाल लूंगा, अगले dm का di निकाल लूंगा, अगले dm का di, और सभी di 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 को क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, और पूरे रिंग का मोमेंट इनर्शिया आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो ये किसका निकला पहले, स्मॉल पॉइंट एलिमेंट का निकल आया। डीएम निकालना हमने सीखा था सेंटर ऑफ मास चैप्टर में, डीएम कैसे निकलेगा, डीएम कैसे, क्योंकि मास लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर पूरी लेंथ रिंग की 2 पाई आर है तो मास कितना है, एम है, 1 है, एम बाई 2 पाई आर है, और अगर डीएक्स है तो एम बाई 2 पाई आर इंटू डीएक्स है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, वही सेम मास अपॉन लेंथ इंटू लेंथ। तो ये डीएम आ गया, इस डीएम को उठा के मैं यहां पुट कर रहा हूं, तो यहां पुट करूंगा तो क्या आएगा, एम बाई 2 पाई आर इंटू डीएक्स। क्लियर है, डाउट इसमें? तो इसमें से dx वाली टर्म इधर r और r कैंसिल, ये टर्म आ गई। अब ये स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, मेरे को टोटल निकालना है, टोटल के लिए मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट। चलो इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों तरफ की लिमिट लगेगी, इसकी लिमिट 0 से i, और dx 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 मिला के पूरी रिंग का सर्कमफ्रेंस कवर हो जाएगा। तो लिमिट क्या लगेगी, 0 से 2 पाई कैपिटल R। तो लिमिट dx की क्या लगेगी, 0 से 2 पाई R। क्लियर है यहां तक? तो 1 dx की इंटीग्रेशन x है, 2 पाई r से 2 पाई r, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आंसर क्या आ गया, एम आर स्क्वायर। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद रखना है, कितना है, एम आर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक?